नांदेड़ में बड़ी तादाद में बंगाली मजदूर खिदमत अंजाम देते हैं। ये मजदूर ज़्यादातर सराफा कारोबार से मुंसलिक हैं। लॉकडाउन की वजह से इन्हें मुश्किल हालात से गुजरना पड़ रहा था। ढाई महीनों से कारोबार बंद होने से इनकी रोजी रोटी और रहने के मसाइल पैदा हो गए थे। ऐसे में इनके खाने और पीने के बंदोबस्त के लिए मुख्तलिफ समाजी और फलाही तंजीमें सरगर्म रहीं, लेकिन अपने घरों को जाने के लिए बेचैन इन मजदूरों और कारीगरों के लिए बिलआखिर ट्रेन पहुँच ही गई। सराफा एसोसिएशन और एकता स्वर्णकार एसोसिएशन ने रियासती वजीर अशोक चौहान से इस जिमन में मदद की अपील की थी, जिसके बाद बंगाली कारीगरों और मजदूरों के लिए खसूसी ट्रेन का इंतजाम किया गया। इस ट्रेन में 700 कारीगर अपने वतन मगरबी बंगाल के लिए रवाना हुए। इस मौके पर इन्हें सफर के दौरान खाने के मसाइल ना हो, इसके लिए एकता स्वर्णकार एसोसिएशन ने खाने के पैकेट तकसीम किए। आज 2-2.5 महीना हो गया जब से लॉकडाउन हुआ। हमारा बंगाली भाई सुनार बहुत परेशान था, तो इसका पहले भी आप लोग न्यूज वाला दिया था, लेकिन हमारा तरफ से हमारा सराफा एसोसिएशन का माननीय सुधाकर टाक जी को हम लोग सब बोला था। हमारा महमूद भाई ये बहुत मेहनत करे, यासीन भाई मेहनत करे, हम लोग फिर सब लोग मिलकर मेहनत करा। हम लोग माननीय सुधाकर टाक जी को बोला जी हमारा बंगाली लोगों का काम नहीं है, कुछ नहीं, बहुत परेशान है, तो इसीलिए आप कुछ कीजिए। तो माननीय सुधाकर टाक जी माननीय अशोक राव चौहान जी को फिर कलेक्टर जी को सबको बोल के आज इंशाल्लाह ट्रेन के लिए आज 29 तारीख है, आज ट्रेन के लिए बंदोबस्त उन्हें कर दिया। तो इसके लिए हमारा बंगाली तरफ से इन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हम लोगों को हमारा बंगाली भाई जो 1200 बंगाली भाई है, वो लोग आज ट्रेन में बैठ गया, वो लोगों को खाना पीने का सब बंदोबस्त कर लिया। हम लोग भी करें, हमारा सराफा एसोसिएशन हमारे एकता स्वर्णकार से करें और दूसरा भाई साहब लोग भी करें, इसके लिए वो लोगों का हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हमारा बंगाली लोग ट्रेन में जो बैठा वो लोग बहुत खुशी में है जो आज हम लोग हमारा वतन में जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ खाने पीने का बहुत बंद तकलीफ था, काम बंद था, तो बहुत परेशान था। इसीलिए आज महाराष्ट्र सरकार का भी हम लोग शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, माननीय केंद्र सरकार भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, अशोक राव चौहान जी का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, कलेक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, हमारा सराफा एसोसिएशन का माननीय सुधाकर टाक का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। सुधाकर टाक, अशोक राव चौहान जी, सब जन काम आवार है, सब जन धन्यवाद करछी जे आमादेर जन्ने माने आदर कष्ट ओनारा करेछे। एखाने बरवानी उमरी धर्मबाद नानान विभिन्न जायगार लोकेरा एखाने एकसाथे होयेछे, स्टेशनेते सब आजकेरा रवाना होच्छे। खाना आमादेर एजेने खाबारो बंदोबस्त करेछि आमरा, पानी इत्यादि सब माने दुआ होयेछे। आबार ओइखान थेके जे आमादेर प्रशासन आछे तारा हिसाब मतन जाना उनादेर ओइखान थेके माने ए करे नेय। आज हमारे नांदेड़ शहर से तकरीबन 700 हमारे स्वर्णकार बंगाली कारागिर भाई पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। 2 महीने से वो बहुत परेशान थे, काम बंद हुआ था और बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे। इसलिए मैं पालक मंत्री अशोक राव जी चौहान साहब से रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया मेरे सराफा एसोसिएशन की तरफ से कि साहब मेरे कारागिरी भाई बहुत परेशान हैं, उनके लिए श्रमिक ट्रेन की व्यवस्था कीजिए। मैं सराफा एसोसिएशन की तरफ से माननीय अशोक राव साहब को मैं निवेदन दिया हूँ, उन्होंने तुरंत कलेक्टर साहब से वो निवेदन फॉरवर्ड करे। फॉरवर्ड करने के बाद मैं नांदेड़ के जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन जी साहब से बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। साथ ही साथ उप जिलाधिकारी परदेशी साहब, उन्होंने हमें बहुत सहकार्य किया। इसके पहले एक ट्रेन डिक्लेयर हुई थी लेकिन कैंसिल हो गई। आज तकरीबन नांदेड़ परभणी हिंगोली गंगाखेड धर्माबाद सब तालुका सब जिले से तकरीबन हमारे 1200 स्वर्णकार कारागिर कलकत्ता अपने घर जा रहे हैं। और ये माहौल अच्छा होने के बाद और वो वापस आएंगे और सबकी सेवा करेंगे हमारे सराफा एसोसिएशन बंद होगी।